जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। निजी स्कूलों की फीस मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला। निजी स्कूल नहीं कमा सकते मुनाफा, निजी स्कूल ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। हालांकि फी रेगुलेशन समिति पर्याप्त सत्यापन के बिना निजी स्कूलों के दावों को खारिज नहीं कर सकती। स्कूल नियामक समिति निजी स्कूल के पट्टे और किराए की लागत को अस्वीकार नहीं कर सकती। शुल्क नियामक समिति किराए के मामले की जांच कर सकती है, लेकिन ऐसे खर्च को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं करेगी। शुल्क नियामक समिति अपने आप किसी निजी स्कूल के पट्टे या किराए की राशि को कम नहीं कर सकती। निजी स्कूल प्रवेश शुल्क, सत्र शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क और शिक्षण शुल्क से सकते हैं। निजी स्कूल छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं। निजी स्कूल भविष्य के विकास लक्ष्य के लिए छात्रों से शुल्क ले सकते हैं। इसके लिए मामले के आधार पर निर्णय लेने होंगे। निजी स्कूल संपत्ति और मूल्यह्रास के लिए अलग से दावा नहीं कर सकते। निजी स्कूल संभावित अधिवेश के लिए शुल्क ले सकते हैं। शुल्क नियामक समिति केवल निजी स्कूलों द्वारा नियोजित शिक्षकों की संख्या की जांच कर सकती है, शिक्षकों का भुगतान कर सकती है, लेकिन शुल्क नियामक समिति बिना किसी प्रतिकूल निर्णय के शिक्षकों के वेतनमान और उनकी वेतन वृद्धि की जांच नहीं कर सकती। बैंक से निजी स्कूलों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज शुल्क पर नियामक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए और निजी स्कूल इस मुद्दे पर निःशुल्क वृद्धि की मांग कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज, सूरत। नमस्कार, नटुभाई कारिया, ट्रस्टी प्रेसिडेंसी स्कूल। खास करीने आजे गई काले जे हाईकोर्ट, नामदार हाईकोर्टे फी અંગેનો જે ચુકાદો આપ્યો છે તે અંગે વાત કરીએ તો આ ચુકાદો વાલીઓ માટે અને શાળા સંચાલક મંડળ માટે બંને માટે આવકારદાયક છે। વાલીઓ માટે એટલા માટે આવકારદાયક છે કે જે શાળાઓ બેફામ ફી લઈને વાલીઓને લૂંટતી હતી એની સામે હાઈકોર્ટે એક રોક લગાવેલી છે કે કોઈપણ શાળાઓ બેફામ ફી લઈ શકશે નહીં। પણ ફીની અંદર સામાન્ય રીતે જે વધારો દર વર્ષે ફુગાવાના અને મોંઘવારીના પ્રમાણમાં કરવામાં આવે તે શાળા પોતે વધારો કરી શકશે અને શાળા ઇતર પ્રવૃત્તિઓ કરાવતી હોય, અલગ અલગ સુવિધાઓ પૂરી પાડતી હોય તે સુવિધાની પણ ફી શાળા લઈ શકશે। એ શાળા સંચાલકો માટે પણ એક ફાયદાની વાત છે। સાથે સાથે પ્રવેશ ફી, સત્ર ફી અને ટ્યુશન ફી, આ ત્રણ ફી શાળા લઈ શકશે। શાળા